नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत है जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं आप सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इंदिरा आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत नए लिस्ट जो आए हुए हैं उसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपका लिस्ट में नाम आ चुका है और अब पैसा आने वाला है। तो उसको लेकर एक अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि प्रधानमंत्री द्वारा कि जो आवास योजना है उसके जो अमाउंट है उस मिलने में आपको कहीं ना कहीं अभी कोरोना के वजह से विलंब हो सकता है। कोरोना का उस मतलब वजह से वो अभी देरी से आपको उसका पैसा आपको भुगतान किया जा सकता है। तो देखिए अब आगे क्या उन्होंने कहा है, मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना पर कोरोना का साया, घर के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दी है हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से। यहाँ पे आप और देख सकते हैं, विशेष यहाँ पे आपको बताया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते आवास योजना के तहत कई राज्यों के प्रस्ताव में देरी की आशंका जताई गई है। राज्यों द्वारा अपने हिस्से की राशि न देने और केंद्र द्वारा दी गई राशि निर्माण के लिए संबंधित विभाग को नहीं दिए जाने का मामला भी केंद्र के संज्ञान में आया है। फिलहाल केंद्र सरकार योजनाओं की समीक्षा में जुटी हुई है, योजनाओं को धीरे धीरे गति देने का प्रयास हो रहा है। सूत्र ने कहा कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने राज्यों के हिस्से का अंशदान योजना के लिए नहीं किया है। कुछ राज्यों ने राज्य के कोष से केंद्र द्वारा दी गई राशि अभी तक आवास के लिए जारी नहीं की है। इससे राज्यों में योजना पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। राज्यों से अपने हिस्से की राशि देने को कहा गया है। कई योजनाओं पर आवास योजना के अलावा सरकारी की शौचालय निर्माण योजना, सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाएं लंबित होने की आशंका जताई जा रही है। पोषण और टीकाकरण जैसे अभियान भी कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी अच्छी जानकारी दी है, और यहाँ पे आप आगे और भी इसे आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आगे, 2022 तक घर देने का लक्ष्य, वर्ष 2022 तक 2,95,00,000 आवास बनाने का लक्ष्य है। इनमें से 2,21,00,000 आवास स्वीकृति किए जा चुके हैं। अभी तक 1,04,00,000 आवास बने हैं। तो इस साल देख सकते हैं यहाँ पे 79,00,000 आवास स्वीकृति का लक्ष्य था, जिसमें सूत्रों ने कहा कि लक्ष्य को काम नहीं किया जाएगा, पूरी ताकत से लक्ष्य पूरा करने का प्रयास भी होगा, लेकिन इससे समय से पूरा करना चुनौतीपूर्ण जरूर है। इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। केंद्र और राज्य को मिलकर रणनीति बनानी होगी। आवास योजना मोदी सरकार के खास योजनाओं में एक है। पहले कार्यकाल के दौरान इस पर काफ़ी फोकस किया गया था। कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने भी बड़ी संख्या में आवास बनाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मतलब जो तुलना में इस वर्ष है वो बहुत कम, अब इंदिरा आवास यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो कम बन पाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का साया जो प्रधानमंत्री आवास योजना पर, अब इसका मतलब असर पड़ने वाला है। तो यही जानकारी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हर एक लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ताकि हर एक लोग जो इंदिरा आवास के जो आस में बैठे हैं
कि हाँ आने के बाद में मुझे घर मिलने वाला है, तो वो कुछ हद तक सेटिस्फाइड होते हैं कि इस वर्ष कुछ मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।